इकोनॉमिक्स वर्चुअल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य कैसे निर्धारित होता है उसका अध्ययन करेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण के अंतर्गत हम मूल्य निर्धारण की परिभाषा का अध्ययन करेंगे, मूल्य कैसे निर्धारित हो उसके बारे में जानेंगे, तालिका तथा रेखा चित्र द्वारा हम उसकी व्याख्या करेंगे तथा अंत में मूल्य निर्धारण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत का निर्धारण। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति की सापेक्ष शक्तियों के द्वारा होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का मूल्य निर्धारण में वस्तु की मांग तथा वस्तु की पूर्ति दोनों का बड़ा महत्व होता है। पहले हम वस्तु की मांग के बारे में पढ़ेंगे। वस्तु की मांग, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं की मांग करता है। उपभोक्ता किसी वस्तु का मूल्य उसकी उपयोगिता के अनुसार देने को तैयार होता है। जिस वस्तु की उपयोगिता कम होगी उसका मूल्य अधिक देने को वह तैयार नहीं होगा। इसलिए उपभोक्ता किसी वस्तु का अधिक से अधिक मूल्य उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर देने को तैयार होगा। सीमांत उपयोगिता से अधिक मूल्य देने पर उसे हानि होगी, अतः उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर मूल्य अधिकतम मूल्य होगा। वस्तु की मांग मांग के नियम द्वारा नियंत्रित होती है। दूसरे शब्दों में ऊंची कीमत पर वस्तु की कम मांग और नीची कीमत पर वस्तु की अधिक मांग की जाएगी। वस्तुओं की पूर्ति। वस्तुओं की पूर्ति उत्पादक या विक्रेता करते हैं। वस्तुओं के निर्माण में कुछ न कुछ लागत आती है, जिसके कारण उत्पादक वस्तु की लागत से अधिक मूल्य पर वस्तुओं को बेचने का प्रयास करता है। उत्पादक वस्तु को सीमांत लागत से कम मूल्य पर बेचने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने से उसे हानि होगी। अर्थात किसी वस्तु की सीमांत लागत उत्पादक का पूर्ति मूल्य होगा। वस्तु की पूर्ति पूर्ति के नियम द्वारा नियंत्रित होती है। दूसरे शब्दों में ऊंची कीमत पर वस्तु की अधिक पूर्ति और नीची या कम कीमत पर वस्तु की कम पूर्ति की जाएगी। मूल्य का निर्धारण। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत का निर्धारण वस्तु की मांग और पूर्ति की सापेक्ष शक्तियों के द्वारा होता है। दूसरे शब्दों में जिस बिंदु पर सीमांत लागत और सीमांत उपयोगिता बराबर होती है उस बिंदु पर वस्तु का मूल्य निर्धारित होगा। इसका सूत्र है कीमत बराबर सीमांत लागत बराबर सीमांत उपयोगिता। इसकी व्याख्या हम रेखा चित्र के द्वारा इस प्रकार से कर सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है उसको हम तालिका और रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। तालिका में प्रथम कॉलम में आप देखें यहाँ पे चावल की मांग क्विंटल में है, दूसरे कॉलम में चावल का मूल्य और तीसरे कॉलम में चावल की पूर्ति। प्रारंभ में आप देख रहे हैं चावल का मूल्य 50 रुपए क्विंटल है तो वस्तु की मांग 100 रुपए है, 100 क्विंटल है, और चावल की पूर्ति प्रति क्विंटल 500 रुपए है। तो कहने का मतलब है कि कीमत अधिक होने पर मांग कम होती है और पूर्ति अधिक होती है, क्योंकि उत्पादक कम अधिक कीमत होने पर पूर्ति को अधिक बढ़ाते हैं जिससे उनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। इसके बाद कीमत 50 से घटके 40 हुई तो चावल की मांग बढ़ गई। जैसे आपको पता है कि कीमत कम होगी तो मांग बढ़ेगी, लेकिन पूर्ति में यहां पे आप देख रहे हो 500 थी अब 400 कमी आ गई है। पहले 500 थी और अब 400 इसमें कमी आ गई। तीसरे बिंदु में आप देखेंगे जब कीमत 30 रुपए हुई तो चावल की मांग 300 हो गई है और
चावल की पूर्ति भी 300 होगी। अर्थात इस बिंदु पर वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बराबर है, वस्तु का जो मूल्य का निर्धारण होगा वो इसी बिंदु पर होगा। इसके बाद अगर कीमत और घटती है, जैसे हमने दिखाया 20 होती 10 होती है, तो यहां पे मांग बढ़ेगी, 400 से 500 हो जाएगी, लेकिन वस्तु की जो पूर्ति वो लगातार घटती चले जाएगी, तो इसमें वस्तु का मूल्य निर्धारित नहीं होगा। तो वस्तु का मूल्य केवल तीसरा जो हमारा पॉइंट है, जब चावल का मूल्य 30 होगा वहीं पर चावल की मांग और पूर्ति बराबर होगी और इसी बिंदु पर वस्तु का मूल्य निर्धारित होगा। इसको हम रेखा चित्र से समझ सकते हैं। चावल का मूल्य अगर 50 था तो चावल की मांग इस बिंदु पर आएगी, यहां देख रहे हैं 100 और 50, और पूर्ति 500 हो गई है ये, तो देखो दोनों बिंदु काफी दूर है। इसके बाद अगले बिंदु जब हमारा 40 हुआ रुपए चावल का मूल्य, तो ये बिंदु यहां आएगा चावल की मांग, और चावल की पूर्ति इस बिंदु पर आएगी 400। जब चावल की कीमत 30 रुपए हुई तो चावल की मांग और चावल की पूर्ति दोनों इस बिंदु पर आएंगी। ये बिंदु पे एक ही बिंदु है, यहां पे वो एक दूसरे को काट रहे हैं, इसे हम ई बिंदु बोलेंगे। उसके बाद कीमत और घटी, तो तुम आपने देखा होगा चावल की मांग 400 हो गई और पूर्ति 200। इसी प्रकार 10 रुपए होने पे चावल की मांग 500 और पूर्ति 100 हो गई। अब हम इन बिंदुओं को आपस में जोड़ेंगे, तो ये पहली लाइन हमारी ये बनी है, इसको हम बोलेंगे चावल की पूर्ति SS। दूसरी लाइन हमारी कहलाएगी DD, जिसको बोलेंगे चावल की मांग, और ई बिंदु पे जहां पे दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं उसे बोलेंगे संतुलन बिंदु। इसी बिंदु पर वस्तु की कीमत का निर्धारण होगा। अर्थात तालिका से स्पष्ट है कि बाजार में चावल रुपए 30 प्रति क्विंटल का भाव ही ऐसा है जहां पर मांगी जाने वाली मात्रा मांग विक्रय हेतु प्रस्तुत पूर्ति के बराबर है, अतः यहां पर ही वस्तु की कीमत का निर्धारण होगा। ये बिंदु ही ऐसा बिंदु है जहां पर वस्तु की कीमत का निर्धारण होगा, और इसी को संतुलन बिंदु भी कहा जाता है। मूल्य निर्धारण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार है। किसी वस्तु का मूल्य उसकी मांग व पूर्ति की सापेक्ष शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है। बाजार में मूल्य उस बिंदु पर निश्चित होगा जहां पर मांग और पूर्ति बराबर हो जाते हैं। साम्य मूल्य सदैव स्थिर नहीं रहता। मांग तथा पूर्ति की दिशाओं में परिवर्तन होने से संतुलन मूल्य में भी परिवर्तन हो जाता है। अर्थशास्त्र विषय को और अच्छे से समझने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को दिए हुए लिंक पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।